तो फ्रेंड्स हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक ट्रिक आप पकड़िए, क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व करके ले जाएंगे आंसर तक। इसमें क्या है कि एक्स पावर फोर प्लस वन अपन एक्स पावर फोर इजक्ल टू 194 है। हमें निकालना है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए 196 जो होता है हमारा 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 14 का। मतलब अगर इसमें हम दोनों तरफ 2 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस टू इजक्ल टू 194 प्लस टू इजक्ल टू 196 हो जाएगा। अब देखिए ये एक होल स्क्वायर बन गया, एक ये होल स्क्वायर बन गया, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इजक्ल टू 14 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजक्ल टू 14। अब हमें लाना क्या है? एक्स माइनस टू लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस टू जोड़ेंगे तो 14 प्लस टू हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? होल स्क्वायर 16 के बराबर हो गई। अब यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 16 मतलब 4 मिल गया। ये किसके बराबर है? 4 के स्क्वायर, 4 स्क्वायर बराबर है, 4 मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? एक्स प्लस वन बाई एक्स इजक्ल टू 4 मिला है। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन इजक्ल टू 4x होगा, इधर लाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इजक्ल टू माइनस 1 इधर ले जाइए। अब अगर हम दोनों तरफ 4x 4 जोड़ दें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा इजक्ल टू 3 आएगा। अब ये देखिए हमारा एक होल स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इजक्ल टू 3। अब देखिए यही आपका आंसर है। एक्स माइनस ये पूछ रहा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का आंसर क्या हो, तो ये हमारा आंसर 3 होगा।